आज मैं आपको बेसिक मेंदू वड़े की रेसिपी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ले ली है 200 ग्राम। इसे हमें करना क्या है, धो के हमें इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख लेना है। उसके बाद में इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है, पानी बहुत कम यूज़ करना है और एकदम थिक पेस्ट बना लेना है। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे उसका मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने कोरिएंडर ले लिया है, हरा धनिया 1 टेबल स्पून होगा, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्याज ले लिया है, उसको फाइनली चॉप कर लिया है। मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने 4 ग्रीन चिलीज ली है, उसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून में यहाँ पर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूँगी, और यहाँ पर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा। ऑयल हमें फ्राई करने के लिए लगेगा, तो चलिए इसे मैं पीस के देन आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैटर को अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए, ये इस तरीके से होना चाहिए बैटर हमारा, पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और इसमें कोई दाने वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन पेस्ट बन जाना चाहिए। ये देखिए इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं दिख रहा होगा आपको। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूँगी, ये जो भी सारे मसाले हैं आपने करना क्या है, इसे अच्छे से फेंट लेना है। आप जितना इसे फेंटोगे ये उतना आपका फ्लफी बनेगा। तो सबसे पहले इसे फेंट लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने इसे फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर डाल दूंगी, कोरिएंडर, सारे मसाले डाल देते हैं इसके अंदर, वेजेस डाल देते हैं, अदरक। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगी अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, आप अपने हिसाब से सॉल्ट डालिए। और अभी हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके इसे फ्राई कर लेंगे हम। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसे फ्राई कर लेते हैं। और एक टिप बताती हूँ मैं इसके साथ में, आपको हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपका बैटर थोड़ा पतला हो जाता है तो आपने ये स्टेज पे क्या करना है, अगर आपको ऐसा फील होता है, ये तो बराबर है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा सा मतलब पतला हो चुका है, इसके वड़े नहीं बनेंगे, तो आपने ये टाइम पे इसके अंदर रवा डाल देना है। जो बारीक सा रवा होता है वो इसमें डालकर आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख देना है। उसके बाद आपने बना लेना है, आपके वड़े बहुत अच्छे से बन के आएंगे वड़े आपके। तो यहाँ पे मैंने अभी कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने तेल गरम करने के लिए ले लूँगी इस तरीके से, एंड देन फिर इसमें बीच में से घोल करके, सबका अपना अपना तरीका होता है, एंड इसको पलट मैं से इसके अंदर, देखिए दूसरा भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें ये बड़े गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगी, ब्रेड के भी बनते हैं मेंदू वड़े और रवे के भी बनते हैं मेंदू वड़े, बट मैंने सोचा कि पहले बेसिक बता देते एंड देन फिर उसके बाद में मैं आगे का आपको बताऊंगी। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है अभी। तो ये देखिए अभी रेडी हो गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे डिश आउट कर लेते हैं हम।